हेलो सेठ जी, आप दुकान कब आ रहे हैं? मुझे मीटिंग फिक्स करनी है। किसके साथ? अरे सेठ जी, दिल्ली के हमारे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चोपड़ा साहब आज आने वाले हैं। नटू काका, कुछ भी करके वो मीटिंग कैंसिल कर दो ना प्लीज। जरा उनको बोलो हमारे सेठ जी आज बहुत बिजी है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, अगले हफ्ते मिलेंगे, ऐसा बोल दो कुछ भी है? लेकिन आज की मीटिंग तो पहले से फिक्स थी ना। आई नो चोपड़ा साहब, बट आज हमारे सेठ जी एक दूसरे जरूरी काम में बहुत बिजी है। नटू काका, कोशिश तो करके देखिए। सॉरी चोपड़ा साहब, आज तो हमारे सेठ जी को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मीटिंग कैंसिल करके आपने मेरा सारा प्रोग्राम हिला दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ जेठालाल। मेरी वजह से? और क्या जेठालाल, सबसे पहले तो ठंड के इस मौसम में फिटनेस कैंप का भूत चढ़ा तुम्हारे सर पे, फिर सोचिया ने कहा पांच चक्कर लगाओ तो तुम बोले नहीं दो चक्कर और लगाओ। तुम्हारी वजह से शरीर का अंग अंग चीख रहा है यार। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब ने, बिल्कुल सही कहा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। तो मजा का संबंध? मजा का संबंध? अरे वो नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखने की क्या जरूरत थी? उठो जागो भागो दौड़ो। अगर तुम वो सुविचार नहीं लिखते तो बबीता जी वो सुविचार पढ़ते नहीं और उनके दिमाग में फिटनेस कैंप का आइडिया आता ही नहीं। बराबर कि नहीं मेहता साहब? हाँ बात तो ठीक है। देखो सॉरी सॉरी बोला ना मैंने जेठालाल। अरे मेहता साहब, आप कहीं आउट ऑफ स्टेज नहीं जा रहे? ये लो देखो, तुम्हारी वजह से बेचारा अय्यर भाई भी घर पे ही है। सॉरी अय्यर। सॉरी आत्माराम, क्या किया तुमने? अरे भाई वो सब छोड़ो ना, उसका सॉरी का स्वीकार कर लो बस। अय्यर आज तुम गए नहीं? किधर? काम पर। अरे उनका भी कसरत की वजह से बदन दर्द कर रहा होगा ना, इसलिए गुटली मार दी। इल्ले 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 जेठालाल, मेरा कोई बदन दर्द नहीं कर रहा है। मैंने पहले से गुलटी ले कर रखी थी। गुलटी? हाँ वो तुम्हारा चुट्टी चुट्टी लीव लीव। तो आपका कसरत की वजह से बदन दर्द नहीं कर रहा? ले। ओहो, लगता है अय्यर भाई का स्टील बॉडी है। अरे अय्यर, तुम यहीं पे खड़े हो। ये लो तुम्हारा हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग किस लिए है बबीता जी? वो एक्चुअली एक्सरसाइज के बाद अय्यर के पैरों में दर्द हो रहा है इसलिए। अच्छा, इसलिए तो उसने ऑफिस से भी छुट्टी ली है। इनफैक्ट आज उसकी एक मीटिंग था, उसने वो कैंसिल भी कर दी। ओहो, देखो। सॉरी बोला ना मैंने जेठालाल। वैसे अय्यर छुपाने की जरूरत नहीं थी, सबकी हालत एक जैसी ही है, सबका बदन दर्द कर रहा है। फिर भी हम लोग तो काम पे जा रहे हैं भाई। वो एक्चुअली सोफिया ने कहा था ना जेठा जी कि फर्स्ट डे एक्सरसाइज के बाद बॉडी थोड़ा सा पेन करेगा, पर उसके बाद यूज्ड हो जाएंगे। नहीं, कोई टेंशन नहीं है बबीता जी। सही कहा है, दर्द पहली बार में तकलीफ देता है, बाद में तो दर्द की आदत पड़ जाती है। ओहो, बहुत गहरी बात कह दी मेहता साहब। ऐसी हालत में मेहता साहब आपका शटर चालू है? ऐसी हालत मतलब शरीर थका है, दिमाग थोड़ी थका है। ओहो, एक और। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह वाह। थैंक यू। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। ओके बबीता जी, चलो बाय। यार भाई आराम करना। चलो भाई अपन भी चले, लेट हो रहा है। हाँ आइए, मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। अब्दुल की दुकान तक। अच्छा अच्छा, अरे लैपटॉप नहीं लेना? चल। अरे भाई बहुत फास्ट चल रहे आप लोग। आराम से। दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खाली नाटक कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? आ गए सेठ जी। आ गया भाई। सेठ जी, चोपड़ा जी के साथ जो मीटिंग आज थी वो मैंने कल पे रखवा ली है। थैंक यू नटू काका, आज मीटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? आज वो सुबह कसरत करके पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है, दुकान आने का भी मन नहीं कर रहा था। ओ आई सी। नटू काका, आपको कभी कसरत से बदन में दर्द हुआ है? सेठ जी, आज से 45 साल पहले जब मैंने पहली बार कसरत की थी तब मुझे दर्द हुआ था। 45 साल पहले? मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद में रोज कसरत करता गया तो बॉडी को आदत पड़ गई। अभी कितनी भी कसरत करूं बॉडी को नो पेन नो कंप्लेन ओनली गेन। अरे वाह, तो ये राज है आपकी सेहत का। हाँ सेठ जी। सेठ जी, आपका बदन अगर दर्द कर रहा है
तो उसका मेरे पास एक इलाज है। क्या? बागा। बागा? हाँ सेठ जी, बागा बहुत बढ़िया मालिश करता है। सेठ जी चाय। बागा तू चाय रहने दे, जल्दी सेठ जी के लिए तेल लेकर आ। सेठ जी ये आपने नया चालू किया, चाय की जगह अभी आप तेल पी रहे हैं? अरे पीने के लिए नहीं, मालिश के लिए। आज सेठ जी ने सुबह कसरत की तो उनका पूरा बदन दर्द कर रहा है, तो सेठ जी को जरा बढ़िया मालिश करके दे। नहीं नहीं नोटू काका, मुझे तेल से मालिश नहीं करवानी है। कोई बात नहीं सेठ जी, बागा सूखी मालिश भी बहुत अच्छी तरह करता है। अच्छा, लेकिन बागा तुझे सच में मालिश आती है? हाँ हाँ सेठ जी, मैंने बड़े बड़े पहलवानों की मालिश की है। तूने? हाँ, मेरे गांव में एक अखाड़ा था, वहाँ मैंने कुछ महीनों के लिए काम किया था। वहाँ एक उस्ताद जी थे, उन्होंने मुझे सिखाया। तूने अखाड़ा में भी काम किया? सेठ जी बागा कभी किसी काम को ना नहीं बोलता। क्योंकि क्या है सेठ जी, तभी तो मैं एकदम ही फ्री हुआ करता था ना, तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए अखाड़े के बाहर खड़ा रहकर कुश्ती देखा करता था। तो बस ऐसे ही मुझे अखाड़े के बाहर खड़े खड़े अखाड़े के अंदर काम मिल गया। सेठ जी बागा कमाल की मालिश करता है, उसकी उंगली में जादू है, अदनान सामी की उंगलियों में है ऐसा। अदनान सामी भी मालिश करता है? No, सेठ जी, you got all wrong. जैसे अदनान सामी की उंगलियां पियानो बजाते समय जादू करती है, वैसे ही बागा की उंगलियां मालिश करते वक्त जादू करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सेठ जी, आप मेरे साथ गोडाउन में चलिए, मैं आपका दर्द यूं गायब कर दूंगा। बागा जल्दी सेठ जी को ले जा। आ रहा हूँ सेठ जी, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। अरे आने के लिए नहीं कर रहा हूँ, हाथ में दर्द हो रहा है इसलिए कर रहा हूँ, हाथ छोड़ो। सॉरी सॉरी सेठ जी। बागा जल्दी सेठ जी को ले जा। हाँ आइए सेठ जी, आइए संभल के। धीरे सेठ जी, धीरे। ओहो, I will miss the fun. No, I won't. I have an idea. मगन जल्दी दुकान में आ जा। आइए सेठ जी, बॉक्स पे लेट जाइए। एक मिनट सेठ जी, आप ये शर्ट उतार दीजिए, ताकि क्या है आपकी इस्त्री खराब ना हो। जूते भी उतार ही देता हूँ, ठीक है? हाँ। ओ, आराम से, आराम से, लाइए। अरे पहले, आ या या। पूरा शरीर तो ऐसा एकदम हो गया। खाली बॉक्स कोई रखता है बेवकूफ? खाली बॉक्स मेरा वजन कैसे उठा सकता है? सेठ जी भरे हुए बॉक्स पे आपको लेटाते और बॉक्स टूट जाता तो बॉक्स के अंदर के माल का नुकसान हो जाता ना। अरे इधर बॉक्स के बाहर के माल को नुकसान हुआ है उसका क्या? सॉरी सॉरी सेठ जी। बागा टेबल क्लियर कर दे। सेठ जी आप टेबल पे लेट जाइए। नटू काका मैं जिंदा रहूं, इसमें आपको कोई तकलीफ है? सेठ जी शुभ शुभ बोलिए, ये क्या बोल रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, बॉक्स की तरह अगर ये कांच भी टूट गया तो मैं भी कांच की तरह चकनाचूर हो जाऊंगा ना। एक मिनट सेठ जी, न बॉक्स न कांच, मेरे पास एक एकदम मस्त आइडिया है। एक मिनट। आइए सेठ जी, आइए चटाई पे लेट जाइए, संभल के। अरे भाई किधर था तू? इधर ही, लेकिन नटू काका ने मुझे बचपन से सिखाया है,
जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। नटू काका ने अपने आप को ही कुछ नहीं सिखाया, बाकी सबको सिखामण देते रहते हैं। आइए सेठ जी, इस पे लेट जाइए, आराम से संभल के, संभल आराम से सेठ जी। ठीक है सेठ जी, लेट जाऊं मैं? एक काम कीजिए, पहले आपकी पीठ की मालिश करता हूँ, तो आप बैठ जाइए, लेटने वाला बाद में करता हूँ। हाँ भाई ठीक है, ठीक है। हाँ जी, पेट बहुत दर्द कर रही है भाई। अभी आपका दर्द गायब हो जाएगा सेठ जी, आप देखिए तो सही। वाह 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 बागा वाह। ओ हो हो, हाँ ये वाला अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ ये सेठ जी मजा आ रहा है ना? शांति। शाबाश, अभी देखना सेठ जी एकदम टकाटक हो जाएंगे फिट। सेठ जी अब आप गर्दन नीचे कीजिए और ये दो हाथ ऊपर कीजिए ऐसे। हाँ बस गर्दन नीचे। हाँ। भाई हो गया सेठ जी, हो गया। अरे बाप रे। Don't worry, Baga boy. You continue your polishing. I mean, malishing. I handle this phone. जी नटू काका। Hello? बागेश्वर जी हैं। बाबरी बोल रही हूँ। One minute. Baga, it's बावरी। हाँ बावरी जी। क्या बागेश्वर जी? आपने मुझे सुबह से एक भी मिस कॉल नहीं किया। Sorry बावरी जी। वो क्या है, दरअसल मैं आज सुबह से बिजी हूँ ना, इसलिए। कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना बागेश्वर जी? नहीं नहीं बावरी जी, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ। तो फिर मुझे मिस कॉल दीजिए ना बागेश्वर जी। हाँ बावरी जी, आप फोन कट कीजिए, मैं आपको अब भी मिस कॉल दे देता हूँ। ओके बाय बाय। अरे ओ मिस कॉल के राजा, फोन कट कर, बोला मालिश कर इधर। जी जी सेठ जी, वैसे भी मैं नट्टू काका को ही मिस कॉल देने के लिए कहने वाला था। डोंट वरी बागा, आई विल डू इट। बागा, मिस कॉल सेंड। थैंक यू। बस कैसा लग रहा है सेठ जी? ओहो नटू काका, किसके फोन आ रहे आज इतने तुझे? हेलो। एक मिनट, बागेश्वर जी से बात करा दीजिए ना। बागा अगेन बावरी। अच्छा, अरे क्या है इसको अभी? हाँ? वो मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे आपका मिस कॉल मिल गया है और मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। सेम ईयर बावरी जी, बाय बाय। हो गया बागा? हाँ। कट करूँ? अरे कट करो, टुकड़े टुकड़े कर दो फोन के। बस सेठ जी हो गया। सेठ जी अब एक काम कीजिए, आप सीधे लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। लेट गए? हाँ क्या लगता है? लेट गए। वाह 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 वाह, अभी सब एकदम छुट्टा हो जाएगा। शाबाश शाबाश बागा। ये थोड़ा पैर आपका कहाँ लेके जा रहा है? नहीं नहीं इधर कंधे पे रख रहा हूँ। सेठ जी हो गया, 1 2 3। क्या कर रहे हैं सेठ जी? आप क्या कर रहे हैं? अरे पेट फोड़ डालेगा मेरा, कितना दबा रहे तू? मतलब मैं तो दर्द कम कर रहा था नट्टू काका। हो गया सेठ जी हो गया, ये पैर जरा खोल देंगे। सेठ जी अब दोनों हाथ फैला दीजिए ऐसे, मुंह उस तरफ कीजिए। अच्छा हाँ, बस अभी हो जाएगा। हो गया बस। आ,
बस थोड़ा दर्द होगा लेकिन पैर एकदम फ्री हो जाएगा। अरे छोड़! चोपड़ा जी चोपड़ा साहब आप अचानक यहाँ? नट्टू काका ने बताया था फोन पे, आप बहुत बिजी हो, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, दिख रहा है अब कितने बिजी हो। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है? मुझे लगा आपका कोई पर्सनल या फैमिली प्रॉब्लम है इसीलिए आपने मीटिंग कैंसिल की है। आपको पता है आपके वजह से मेरा सारा शेड्यूल बिगड़ गया। सॉरी 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 चोपड़ा साहब सॉरी। वो क्या सॉरी, धंधा छोड़ के यहाँ लेट के मालिश करवा रहे हैं? दिस इज नॉट द वे टू डू बिजनेस। नहीं नहीं एक मिनट, देखिए बस बस हो गया, छोड़ो। चोपड़ा साहब देखिए मैं कच्ची मारू हूँ और हम कच्चियों के लिए काम धंधा पहले होता है, बाकी सब कुछ बाद में होता है। मुझे बताइए आज तक मैंने कभी भी आपकी मीटिंग कैंसिल की है? नहीं ना, लेकिन आज क्या थोड़ी मजबूरी थी इसलिए मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। कैसी मजबूरी, मालिश कराने का चस्का लग गया क्या? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल बात है कि मैं जहाँ रहता हूँ ना गोकुलधाम सोसाइटी में और फिटनेस कैंप था तो जोश जोश में आज थोड़ी ज्यादा कसरत हो गई तो सुबह से पूरा बदन टूट रहा है मेरा। अब आप ही बताइए ऐसी हालत में मैं आपसे मीटिंग कैसे करता? अच्छा ये बात है। हाँ और कोई बात नहीं थी, प्लीज आप बुरा मत लगाना, सॉरी हाँ प्लीज। नहीं नहीं इट्स ओके। अरे आप खड़े क्यों हैं भागा? समझ गया सेठ जी, आइए चोपड़ा साहब लेट जाइए, आपकी भी मालिश कर देता हूँ। मैं मालिश की बात नहीं कर रहा हूँ, चोपड़ा साहब के लिए कुछ जूस फालूदा कुछ मंगाओ। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ नट्टू काका को ये कैटलॉग देने आया था, ये नया वॉशिंग मशीन का। हां ला ये ले, मैं देख लेता हूं। आइए अब हम मीटिंग कर लेते हैं। आइए आइए। नहीं नहीं जेठालाल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। हां अगले हफ्ते मैं फिर मुंबई आ रहा हूं, उस समय मीटिंग कर लेंगे। जी जी बिल्कुल अगले हफ्ते पक्का, और अगले हफ्ते अगर आप नहीं आ पाए तो मैं आ जाता हूँ दिल्ली। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू। मैं आपको बाहर छोड़ने आता हूँ। आइए आइए। सेठ जी अब कैसा लग रहा है? बस हो गया? नहीं नहीं करता हूँ ना, एक काम कीजिए आप वापस लेट जाइए। हाँ तो मजा आ रहा है भाई, मतलब थोड़ा शरीर हल्का हो गया है और थोड़ा हल्का होने का बाकी। आ जा आ जा भाई आ जा, अभी पूरा दर्द गया नहीं है, थोड़ा ऐसे हल्का लग रहा है। लग रहा है ना, लेकिन मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई। चालू रख चालू रख। हाँ चालू रख। हाँ फिर से शुरू कर देता हूँ। हेलो, हाँ माँ, अरे माँ कैसी हो तुम? मैं बस तुम्हारे आशीर्वाद है। हाँ हाँ माँ, यहाँ मुंबई में भी मस्त ठंडी है। अरे हाँ माँ, तुम्हें पता है आज से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कसरत और योगा का फिटनेस कैंप शुरू हो गया है। हाँ हाँ, टप्पू के पापा भी कसरत करने लगे हैं।
दोस्तों ईश्वर ने महिलाओं को एक विशेष शक्ति दी, वो दूर से आती हुई मुसीबतों को पहले से ही भांप लेती है और दया भाभी के पास भी ये सिक्स्थ सेंस जबरदस्त है और इसी सेंस की बदौलत उन्हें ये अंदेशा हो रहा है कि फिटनेस कैंप के दूसरे दिन कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब ये गड़बड़ क्या होने वाली है ये तो वो खुद भी इस वक्त नहीं जानती और न मैं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर तय है कि उन्हें ये आभास हो गया कि कुछ ना कुछ होगा जरूर। लेकिन ये आपचुकन की बिजली गिरती किस पे है, किसके साथ होती है गड़बड़, ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर तय है कि बिजली यहाँ जिस पर भी गिरे आपके घरों में हंसी की बरसात होती रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।